आज हमारे पास है एक 2017 Audi Q7, द न्यू जनरेशन ऑफ द Audi Q7, और ये कार मोहित अन्नाजा कार डील्स पर फॉर सेल है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का एक छोटा सा रिव्यू। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट रिव्यू शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पहले प्राइस की। एक ब्रांड न्यू टॉप मॉडल Audi Q7 का जो प्राइस है वो राउंड अबाउट 81.18 लाख रुपीस है, एंड दैट टू जस्ट द शोरूम प्राइस, यानी कि ऑन रोड आपको उससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। लेकिन मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये 2017 मॉडल सिर्फ और सिर्फ 3 साल पुरानी मिल रही है 50 लाख रुपीस, एंड दैट इज अ बार्गेन ऑफ अ प्राइस। एंड सिर्फ यही नहीं, मोहित राजा कार डील्स पर आपको और भी फैसिलिटीज मिलती हैं, सच एज ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, एंड सबसे बड़ी बात सर्विसिंग ऑफ द कार एट वेरी जेन्युइन रेट्स। तो ये एक कंप्लीट पैकेज डील है, एंड अगर आपको ये कार या कोई भी और लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार या यूज कार के अंदर इंटरेस्ट है तो हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो अब इसी के साथ करते हैं रिव्यू शुरू। अब बात करते हैं इस कार की फ्रंट स्टाइलिंग की। फ्रंट स्टाइलिंग में आप देख सकते हैं कार कितनी ज़्यादा बोल्ड है, इतनी ज़्यादा वाइड है, बड़ी है, एंड ऑब्वियसली Audi की क्यू सीरीज़ कार एक SUV है, तो ये चीज़ें इस कार के लिए बहुत ज़रूरी हैं एंड इस कार को एक बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं। अगर हम कुछ स्टाइलिंग क्यूज़ की बात करें तो हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इस कार के अंदर, नॉट जस्ट वन बट एक्चुअली 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो कि LED हैं, एंड इस कार को लाइटिंग वाइज बहुत अच्छा एक सिनेरियो देते हैं। इस कार के जो DRLs हमें मिलते हैं वो हमें इस वाई शेप में मिलते हैं, जो कि नॉट टू ब्रैग बट इफ़ यू लुक एट इट इट्स फ्रॉम अ Lamborghini। आई मीन Audi एंड Lamborghini बोथ आर ऑफ Volkswagen कंपनी एंड दे कैन टेक स्टाइलिंग क्यूज फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो इस कार के अंदर जो हमें DRL सेटअप मिलता है वो एक्चुअली हमें Lamborghinis के अंदर भी मिलता है। ये वाई स्टाइल जो होता है ये Lamborghinis के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड सारे Lamborghini फैन बॉय शायद इसको जानते भी हों, तो ये एक सिमिलैरिटी है बिटवीन Audi एंड Lamborghini, एंड ये एक चीज़ है शायद बहुत लोग ना जानते हो Audi Q7 के बारे में। बाकी अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो इस कार की जो ग्रिल है कम्प्लीटली क्रोम फिनिश मिलती है, Audi के 4 रिंग्स हमें बीच में मिलते हैं, बहुत बड़ी दी गई है। ऑब्वियसली V6 इंजन मिलता है इस कार के अंदर, काफ़ी बड़ा है तो उसको कूलिंग के लिए एयर इनटेक चाहिए, एंड एयर इनटेक की बात करते हो इस कार के अंदर हमें एक एयर इनटेक मिलता है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट एयर इनटेक जो कि मैंने आज तक किसी भी कार के अंदर देखा है, एंड सबसे बड़ी बात ये एक्चुअली कम्प्लीटली अनगार्डेड है। इसके अंदर बहुत आराम से आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जगह दे रखी है जिसके अंदर छोटे मोटे पत्थर बहुत आराम से घुस सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा अपनी Audi Q7 के अंदर। साइड प्रोफाइल की अगर हम Audi Q7 में बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास इस कार के अलॉय व्हील्स आते हैं, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, 5-spoke डिज़ाइन है, एंड इस सिल्वर फिनिश के साथ ये कार जो ब्लैक फिनिश में आती है एक बहुत अच्छी लुक देती है इस कार को, एंड साइड प्रोफाइल में बहुत अच्छे से स्टैंड आउट भी करता है। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें जैसे कि हमने सिल्वर फिनिशेस की वहाँ बात करी, तो इस कार में हमें यहाँ पर डोर पैनल्स के आसपास आप देख सकते हैं आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर पीछे की साइड क्वाट्रो जो है इंग्रेव्ड है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। बताते हुए कि ये एक 4-व्हील ड्राइव कार है, एंड सिल्वर तो नहीं बट यहाँ पे क्रोम फिनिश हमें इस कार की विंडो सिल्स के आसपास मिलती है, एंड एक सिल्वर फिनिश हमें इस कार की जो रूफ रेल्स हैं उसके अंदर भी मिलती है, विच इज़ अ वेरी गुड टच टू दिस कार, क्योंकि ऑब्वियसली एक SUV है, एक फैमिली कार है, इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी इस रूफ रेल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको इसके ऊपर कोई रूफ रैक वगैरह लगाना हो तो आप रूफ रेल्स की वजह से बहुत आसानी से वो अटैच कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की, एंड रियर प्रोफाइल में हमारे पास एक बहुत यूनिक चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि इस कार के जो हमारे पास रियर टेल लैंप्स दिए गए हैं इसके अंदर भी हमें वो वाई स्टाइल की लाइट्स दे रखी हैं जो हमें फ्रंट में मैंने आपको बताया था DRL के रिगार्डिंग। बाकी इस कार के जो रियर वाइपर है वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बाकी कार्स के अंदर आपने देखा होगा रियर वाइपर तो दे रखा होता है, लेकिन जो वाटर डिस्पेंसर होता है वो छोटा सा एक यहाँ पर एक चीज़ दी गई जिसके अंदर पानी जो होता है वो एक ही साइड पर गिरता रहता है, लेकिन Audi Q7 में नहीं। Audi Q7 के अंदर जो हमारे पास वो वाटर डिस्पेंसर है वो एक्चुअली वाइपर के ऊपर ही दे रखा है, तो यानी कि जब ये वाइपर जो है हमारा वो घूम रहा होगा उसी टाइम पे पानी भी हर साइड पे डिस्पेंस होगा, एंड एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ लगती है मुझे। एंड जो मैं यूनिक चीज़ की बात कर रहा था इस कार में वो है इस कार की जो टेल लैंप्स दे रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस कार के अंदर, जैसे मैं इस कार को अनलॉक करूंगा पहली बात तो हमें वो डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं इस कार के अंदर, वो बहुत सुंदर लगता है। बट दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए जब मैं इस कार की जो ट्रंक है इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस कार के अंदर जितनी भी लाइट्स हैं वो यहाँ से उठ चुकी हैं, तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस के खिलाफ होता है। आपको ब्रेकिंग लाइट्स हमेशा कार के अंदर ही रहनी चाहिए, वो Audi ने एक्चुअली दे रखी हैं बट नीचे दे रखी है, तो जब भी इस कार का जो टेल गेट है वो ऊपर होगा तो इस कार की जो लाइट्स हैं वो यहाँ नीचे ट्रांसफर हो जाते हैं। ब्रेक लाइट आप देख सकते हैं ये दे रखी है, रिवर्स लाइट ये छोटी सी ये पार्ट दे रखा है, एंड इंडिकेटर यहाँ छोटा सा यहाँ नीचे दे रखा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है Audi Q7 के बारे में।
अब फीचर्स की शुरुआत हम करेंगे इस कार के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले स्टेयरिंग व्हील की अगर हम बात करें, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है हमें, फोर स्पोक डिज़ाइन है, ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है, मेरे को काफ़ी सही लगता है ये। हमें मिलता है कंप्लीटली मल्टी फंक्शनिंग स्टेयरिंग व्हील जिसके अंदर हमारे पास यहाँ बटन दिए गए हैं इस कार की वर्चुअल कॉकपिट को डिस्प्ले क्यों कंट्रोल करने के लिए, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इंडस्ट्री लीडिंग डिस्प्लेज मिलती है हमें इस कार के अंदर, जो कि हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, एंड इट इज़ दी बेस्ट डिस्प्ले दैट आई हैव सीन इन एनी अदर कार। हमारे पास यहाँ बटन दिए गए हैं इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। बाय द वे ये भी एक अच्छी इस कार में अच्छा फीचर है, जब आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं एंड आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो आप सिर्फ ये बटन दबाएं एंड इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो बंद होकर अपने कॉलम में चली जाती है, एंड एक डैशबोर्ड को कंप्लीट रनिंग फ्लो मिलता है एंड आपको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने का ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। बट देन अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें इस कार के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो बटन दिए गए हैं उसके थ्रू हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है इस कार का ओडोमीटर, जैसे कि अब आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम है, नीचे जाएंगे तो इस कार की फ्यूल कंजम्पशन हमें बताता है, लेकिन क्योंकि अभी कार खड़ी हुई है चल नहीं रही इसलिए हमें डैशेस बता रहे हैं, लेकिन जब हम कार को चलाएंगे तो हमें रियल टाइम कंजम्पशन यहाँ पर बताता है। नीचे जाएंगे तो हमारे पास इस कार की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जैसे कि अभी बता रहा है कि हमारी जो कार है ये पिछले आधे घंटे से स्टार्टेड है और सिर्फ 0.1 किलोमीटर चली हुई है, तो यानी कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि जब से आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है तब से इसका क्या वो है। जैसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं तो ये पिछले 3 ट्रिप्स के हमारे पास एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है कि पिछले 3 ट्रिप्स में ये कार 11 की एवरेज दे रही थी, इतनी देर ये कार टोटल स्टार्टेड रही है, ये इतनी किलोमीटर्स की एवरेज स्पीड रही है एंड ये इतने किलोमीटर ये कार चली हुई है। देन हमारे पास नीचे आती है इस कार की एवरेज फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन। अभी जैसे कि इस कार में एसी ऑन है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एयर कंडीशनिंग ऑन है और एयर कंडीशनिंग जो है वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। जैसे हम इस कार के अंदर और चीज़ें ऑन करते रहेंगे तो यहाँ पर वो एनर्जी कंज्यूमर्स के अंदर वो आता रहेगा। देन लास्ट हमारे पास आता है इस कार के अंदर ड्राइवर असिस्ट, जो कि आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी रोड पर क्या हो रहा है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार के अंदर। देन हम इस कार के अंदर आगे अगर हम चलें तो हमारे पास इस कार के अंदर आ जाती है कि इस कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि अभी बता रहा है कि कूलेंट लेवल लो है तो वो हम इसके अंदर फ्यूल अप कर सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर आ रही है वो है अभी फ्यूल के अंदर, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं रिजर्व पे है, इसलिए कार के अंदर जो दूसरी वार्निंग है वो फ्यूल की है। अगर हम आगे चले हमारे पास इस कार के अंदर मीडिया प्लेबैक की आ जाती है, जो कि बताता है कि गाना वगैरह कौन सा चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। अभी हमारा फ़ोन कनेक्टेड है इसलिए वो बता रहा है कि फ़ोन पे ये गाना चल रहा है, अगर एफएम चल रहा होता तो एफएम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पता चलती। देन अगर हम आगे और चलेंगे तो हमारे पास जो टेलीफोन की इन्फॉर्मेशन आती है, टेलीफोन डायरेक्टरी अगर हम यहाँ पर जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इस कार के अंदर नेविगेशन मैप आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में हमें बताता है कि हमारी कार जो है वो यहाँ है एंड ये हमारा कंप्लीट मैप है। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा कन्फिगरेबल है, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह हमने ख़त्म नहीं किया क्योंकि हमारे पास एक व्यू भी है। जितनी भी ये 5 टैब्स मैंने अब बताए, अगर आप यहाँ पे व्यू दबाएंगे तो आप देख सकते हैं व्यू कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। इसके अंदर आपको टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर पता चलेगा, ये कार के अंदर टाइम क्या हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड यहाँ पर आप बहुत चीज़ें इस कार के अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस वर्चुअल कॉकपिट के हिसाब से। एंड ये बात मुझे इस कार के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इट्स एब्सोल्युटली प्रीटी कूल। बट देन हमारे पास इस कार के अंदर एक और डिस्प्ले आती है जो कि ये वाली डिस्प्ले है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ऑडी के अंदर ऑलमोस्ट हमेशा से सेम रही है। तो हमने इस डिस्प्ले का एक बहुत ज़्यादा डिटेल रिव्यू कर रखा है अपनी दूसरी ऑडी वीडियोज़ के अंदर, हम वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक कर देंगे तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए अगर आपको इसका एक डिटेल रिव्यू चाहिए। बट हाँ, इस डिस्प्ले के अंदर एक चीज़ ज़रूर चेंज हुई थी। प्रीवियस डिस्प्ले के अंदर आपको पता चलेगा हमारे पास 4 बॉर्डर्स होते थे, लेकिन इस डिस्प्ले के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 बॉर्डर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हमें बॉर्डर्स दिए गए हैं। तो सिर्फ एक यही डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको बॉर्डर्स का बारे में नहीं पता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिसके अंदर हमने इसका एक डिटेल रिव्यू दे रखा है, उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो आपको बॉर्डर्स के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा एंड इस डिस्प्ले का भी एक अच्छा रिव्यू हमने उसके अंदर कर रखा है। देन हम आते हैं इस कार के एसी कंट्रोल्स के अंदर, हमें मिलते हैं 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स जो कि बहुत स्टैंडर्ड है ऑडी Q7 के अंदर। बट एक और चीज़ जो मेरे को एनिमेशन इस कार में बहुत अच्छी लगती है, ये जो मेरे पास बटन दिए गए हैं ये एक्चुअली टच सेंसिटिव बटन है। जैसे मैं इसके ऊपर अपनी उंगली रखूंगा आप देख सकते हैं ये जो एनिमेशन है वो आते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर फैन के ऊपर रखूंगा तो आप देख सकते हैं फैन की जो एप्लीकेशन है वो बड़ी हो गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो आप देख सकते हैं वो वाला जो बंदा है वो बड़ा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर 4 जोन के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ इसको, आपको बता रहा है कि और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सिंक का है, रियर सेट का है, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स का है। देन अगर मैं इस पे आऊँगा एंड इस पे आऊँगा, सिमिलरली आपको सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ टच से पता चल जाती है, एंड ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी इस कार के अंदर।
देन हमारे पास आता है यहाँ पर ड्राइव सिलेक्ट और कुछ बटन्स यहाँ पर। ड्राइव सिलेक्ट तो इस कार के ड्राइविंग मोड्स के लिए है, ये हमारे पास आता है इस कार का ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड देन हमारे पास आता है इस कार के अंदर ये वाला जो कि है हिल डिसेंट कंट्रोल, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। एंड ये बटन के बारे में तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो इस कार के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है वो है इस कार की सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। ये सनब्लाइंड का कंट्रोल आप देख सकते हो, सनब्लाइंड पीछे हो जाती है। एंड देन अगर आप इस बटन को पीछे करेंगे तो इस कार की जो सनरूफ है वो भी ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार की प्रैक्टिकलिटी हम शुरू करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है। विदाउट एनी प्रॉब्लम इसके अंदर सामान तो बहुत रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक कार्ड होल्डर दिया गया है यहाँ पर, एंड एक पेन होल्डर या पेंसिल होल्डर आप उसको कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को इस ग्लव बॉक्स के अंदर। इस कार का सेंटर कंसोल है यहाँ पर फ्रंट साइड पे हमारे पास एक कभी दी गई है, जिसके अंदर आप मान लीजिए फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी आपको उसके साथ दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं दो कप होल्डर्स इस कार के, एंड साथ में एक की प्लेसिंग होल्डर जहाँ पे आप की रख सकते हैं। उसके जस्ट पीछे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एक छोटी स्टोरेज कभी दी गई है, जिसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं। बट देन अगर हम इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास सामान रखने के लिए जगह दी गई है। ये एक वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है, दो USB पोर्ट यहाँ पर आ जाते हैं, एंड एक ऑक्स पोर्ट यहाँ पर आ जाता है। बट देन इस कार की जो आर्मरेस्ट है उसकी एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि ये इंडिविजुअली एडजस्टेबल है। मान लीजिए ड्राइवर को लंबा चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए पैसेंजर को इतना लंबा आर्मरेस्ट नहीं चाहिए तो उसको छोटा रख सकता है। तो ये चीज़ मेरे को इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। रियर सीट्स में हमारे पास इस कार के अंदर यहाँ सीट नेट आ जाता है फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास अगर हम इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो हमारे पास 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं इस कार में, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी बात। लेकिन हमारे पास जो इस कार की जो मिडिल सीट है उसको अगर हम यहाँ से ओपन करें, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप इसको नीचे कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है दो कप होल्डर्स फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इस कार की ट्रंक। एंड इस कार की ट्रंक जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलती है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस दिस बटन एंड इस कार की जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो इस कार की जो ट्रंक है वो आप देख सकते हैं अभी जो थर्ड रो सीट्स हैं इस कार की ऊपर हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है इस कार के अंदर। लाइक लिटरली इसके अंदर आप तीन बैग्स तो बहुत आराम से रख ही सकते हैं, चार भी शायद रख सकते हैं अगर आप थोड़ा स्क्वीज़ करके रखें तो। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप इस कार की जो सीट्स हैं उनको नीचे करें, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने से ये सीट्स नीचे हो जाते हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। सिर्फ एक बटन एंड देन दूसरा नीचे करने के लिए आप इसको ये दबाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब इस कार की ट्रंक एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी है। लाइक लिटरली इसके अंदर आप आई डोंट इवन नो हाउ मच बैग्स यू कैन कीप बिकॉज इट इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। बट देन इस कार के अंदर हमें कार्गो ट्रे भी मिलती है, एंड इस कार्गो ट्रे को हमें रिमूवेबल इसलिए दिया गया है क्योंकि इस कार की जो थर्ड रो सीट होती हैं, जब वो ऊपर होती हैं तो आपको कार्गो ट्रे रिमूव करनी पड़ती है, तभी वो थर्ड रो सीट्स ऊपर होती हैं, वरना वो ऊपर नहीं हो सकती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमने उसको इंस्टॉल कर दिया है वहाँ पर, तो अब आपको लिटरली करना क्या होगा, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, एंड इसके ऊपर आप कुछ लाइट चीज़ें भी रख सकते हैं क्योंकि ये इतना स्टर्डी नहीं है, तो सिर्फ लाइट चीज़ें ही रख सकते हैं। बट नॉनदलेस इसके अंदर स्टिल ये प्रैक्टिकलिटी भी आती है इस कार के अंदर। बट देन लास्ट फीचर जो हमारे पास इस कार में ट्रंक में आता है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फीचर है, वो है इस कार का जो रियर साइड है। क्योंकि इस कार में एयर सस्पेंशन आती है, तो आप इस कार की जो रियर साइड है उसको आप लोअर एंड रेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान है, ताकि आपको वो ज़्यादा भारी सामान ऊपर ना उठाना पड़े इस कार के अंदर रखने के लिए, आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है, सिर्फ उस बटन को आप दबा दीजिए एंड इस कार की जो बैक साइड है वो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, ताकि आपको वो भारी सामान ज़्यादा देर तक उठाना ना पड़े। तो अब बात करते हैं इस कार के अंदर कंफर्ट की। अभी आप देख सकते हैं मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड के कुछ फीचर्स की। जैसे कि हमारे पास जिस कार में स्टीयरिंग व्हील आता है, हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब फोर वे कंट्रोल एडजस्टेबल हमारे पास ये ड्राइव स्टीयरिंग व्हील आता है इस कार के अंदर। हमारे पास यहाँ पर दो मेमोरी सीट्स भी आती हैं इस कार के अंदर, एंड ये जो फीचर है हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए ही मिलता है, पैसेंजर साइड के लिए ये फीचर नहीं है। एक और फीचर जो मेरे को ड्राइवर साइड सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस कार के अंदर, वो है चाइल्ड लॉक का। अब बहुत कार के अंदर आपको पता होगा कि अगर आपको चाइल्ड लॉक्स लगाने हो रियर डोर्स के अंदर तो आपको पीछे जाना पड़ता है एंड एक बटन प्रेस करना पड़ता है, लेकिन इस कार के अंदर हमें यहीं पे विंडो कंट्रोल्स के पास एक बटन दिया हुआ है, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा इस पर, एंड अगेन अगर आप उस बटन को दबाएंगे तो चाइल्ड लॉक हट जाएगा। वंस अगेन अ प्रीटी ग्रेट फीचर। बट देन वी कम टू द फीचर्स जो कि इस कार के अंदर फ्रंट पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स हैं, हम सीट को आगे पीछे मूव करना, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव करना,
सीट की हाइट एडजस्ट करना, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। लंबा सपोर्ट भी हमें फोर वे एडजस्टेबल इस कार में मिलता है। तो ओवरऑल फ्रंट सीट में कंफर्ट वाइज आई डोंट थिंक देर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कार। बट कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें जो ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि इस कार के अंदर हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। अब ये फीचर्स बहुत लोगों को लगता है कि यार छोटी सी चीज़ें, एक बटन दबाने में मेरा क्या ही जा रहा है। बट देन इफ़ यू यूज़ दीज फीचर्स ऑन योर डे टू डे बेसिस, जो कि आपको कुछ ना करना पड़े एंड यू जस्ट हैव द ईज ऑफ ड्राइविंग द कार, ये फीचर्स लिटरली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड ये बात आपको तभी पता चलती है जब आप ऐसी कार्स को एक्चुअली ड्राइव करते हैं। तो अब हम आते हैं इस कार की सेकेंड रो सीटिंग के अंदर एंड थर्ड रो सीटिंग में हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। अब अगर हम सेकेंड रो सीटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 5 या 6 इंचेस का लेग रूम है। हेड रूम की मैं बात करूँ तो हेड रूम भी बहुत है इस कार के अंदर, क्योंकि हमारे इस कार के अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो पीछे भी आती है। सनरूफ की वजह से मेरे पास 2 इंचेस का लेग हेड रूम बढ़ जाता है इस कार के अंदर, टोटल में मेरे पास 4 या 5 इंचेस का हेड रूम भी होगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको स्पेस वाइज तो इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट अगर हम पैसेंजर वाइज कुछ फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर हमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो ऑब्वियसली बहुत कार्स में आपने देखा होगा 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए, बट रियर सीट्स के बारे में बहुत कंपनीज भूल जाते हैं। बट देन अगेन इन दी ऑडी Q7 आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। अगर हम सीट मटेरियल की बात करें तो लेदर सीट्स मिलती हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी प्लश हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा अपराइट होकर बैठते हैं इस कार के अंदर तो आपको हाँ थोड़ी लेग रूम की दिक्कत हो, थोड़ी अंडर थाई सपोर्ट की दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने लातों को स्प्रेड कर ले जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं आएगी। देन अगेन बीइंग अ कार जिसके अंदर आपको थर्ड रो सीट मिलती है, तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसकी वजह से आप इसकी रियर सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं थोड़ा ऐसे करके। देन अगेन इट इज़ अ ग्रेट फीचर। एंड सेकेंड रो सिटी के अंदर बहुत कार्स में रिक्लाइनिंग सीट्स नहीं मिलती, लेकिन Q7 में आपको मिलती हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो अब चलते हैं इस कार की थर्ड रो सीटिंग के अंदर, लेकिन थर्ड रो सीटिंग को पहले हम ओपन करने की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकलिटी सेशन में, पहले हमें इस कार की कार्गो ट्रे को उठाना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं अब इस कार का जो कार्गो ट्रे है हम उसको उठा चुके हैं। अब इन कार की सीट्स को ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी सेशन में बताया था। बट देन हमारे पास एक और तरीका दे रखा है, जो कि है यहाँ से पहले आप दरवाज़ा खोलें, देन ये जो सीट है इसको आप नीचे कर दें जैसे कि ऐसे, ताकि आपको बैठने में आसानी हो। एंड देन हमारे पास यहाँ नीचे भी बटन्स दिए गए हैं इन दोनों सीट्स को ऊपर करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड दोनों सीट्स ऐसे करके आप यहाँ से ऊपर कर सकते हैं। तो अब जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको हेडरेस्ट ऊपर करने हैं, एंड देन यहाँ से आपके पास बैठने की भी जगह आ जाती है, ताकि आप पीछे जाके बैठ सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं इस कार की थर्ड रो सीटिंग में आ चुका हूँ, लेकिन इस कार के अंदर किसी लंबे बंदे के लिए जगह काफ़ी कम है। हाँ ग्रांटेड मैं काफ़ी लंबा हूँ, 6'1", स्टिल इस कार के अंदर आप देख सकते हैं अभी ये जो सीट है ये नीचे है, स्टिल मेरा आप देख सकते हैं कि जो दूसरी सीट ऊपर है उसके बाद इतना आ रहा है। तो अगर मैं इस सीट को यहाँ से ऊपर कर भी दूंगा यहाँ से, तो आई लिटरली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेस इन दिस कार। हाँ अगर ये सीट थोड़ी सी कम रिक्लाइंड हुई जैसे कि अभी, तो मेरी लेग्स जस्ट टच कर रहे हैं उसके साथ, एंड ओवरऑल इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस किसी लंबे बंदे के लिए। बट हाँ बच्चे वगैरह इस पीछे वाली सीट में बैठ सकते हैं काफ़ी आराम से। एंड सो ये था मोहित अनाजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल रिव्यू 2017 ऑडी Q7 का। ये कार मोहित अनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है, तो अगर आपको ये कार में इंटरेस्ट हो तो हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, उसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा इस चैनल के लिए। थैंक यू।